me, that's a nasty blow. Just incredible. अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ ना हो तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो क्रिकेटर्स, दिस इज अमन सेठी एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल मॉडर्न डे क्रिकेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू प्ले बाउंसर्स, क्योंकि आपने कमेंट सेक्शन में बहुत बार पूछा है कि भैया पुल शॉट कैसे मारते हैं। तो पुल सीखने के पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि बाउंसर को लीव कैसे करते हैं, ठीक है? क्योंकि पुल वही अच्छा मार पाता है जो बाउंसर को लीव कर पाता है। अगर आप बाउंसर को लीव कर रहे हो तो मतलब आप लास्ट तक बॉल को देख रहे हो। अगर आप लास्ट तक बॉल को देख रहे हो तो आप प्रॉपरली पुल भी मार पाओगे, ठीक है? तो आज लीव करने पे ध्यान देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो पुल पर होगा, जो कि आपको एंड स्क्रीन में बहुत जल्द मिल जाएगा। बेसिकली हम इस वीडियो में चार चीज़ों पर ध्यान देंगे। नंबर वन, कि किस बॉल को लीव किया जाता है। नंबर टू, लीव करने की प्रॉपर टेक्निक क्या है। नंबर थ्री, कौन से ड्रिल्स हम कर सकते हैं जिससे आपका लीव परफेक्ट हो सके। एंड नंबर फोर में एक फन गेम रखा है आपके लिए, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, जिसमें आप अपने लीव को भी परफेक्ट कर लोगे और एक इंटरेस्टिंग एक फन सा गेम भी हो जाएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ठीक है? तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्रिकेटर, जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें किस बॉल को लीव करना है। किस बॉल को लीव करना है ये समझने के पहले हमें ये समझना होगा कि बाउंसर एक्चुअली में होता क्या है। बाउंसर हम उस बॉल को बोलते हैं जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गिरे और आपके शोल्डर लेवल या शोल्डर के ऊपर आता है। मतलब आप बैटिंग कर रहे हो, या तो इस लेवल पर आएगा या तो आपके हेड लेवल पर आएगा या हेड के ऊपर आएगा, तो उसको बोलते हैं हम बाउंसर, ठीक है? तो बाउंसर को खेलने का दो तरीका है, या तो आप उसको हिट करोगे या तो लीव करोगे। आप सोच रहे हो कि भाई डिफेंस भी तो कर सकते हैं। नहीं, हम बाउंसर को डिफेंस नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया था फ्रंट फुट डिफेंस वाले वीडियो में, कि हम डिफेंस उसी बॉल को करते हैं जो आपके विकेट में हो या जो आपके बॉडी लाइन में हो। आप बॉडी के बाहर या विकेट के बाहर डिफेंस नहीं करते, क्योंकि अगर बॉडी के बाहर विकेट के बाहर डिफेंस करने जाओगे, डिफेंस करने में ऐसे भी रन नहीं बनता है, तो इससे बेटर है कि आप लीव कर दो। आप डिफेंस करने जाओगे, रन तो बन नहीं रहे, रिस्क ये है कि एज लग कर जा सकता है, आप आउट हो सकते हो, तो बेटर ऑप्शन रहता है कि लीव कर दो, ठीक है? तो आप समझ गए कि किस बॉल को हमें लीव करना है। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट में। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि लीव करने की प्रॉपर टेक्निक क्या होती है। आराम से अपने स्टांस में खड़े हो जाओ। आपने जज कर लिया शॉर्ट बॉल है, अपना आप इनिशियल ले लिए। बॉल जैसी शॉर्ट गिरा, आपका हमेशा ये शफल करके फ्रंट फुट प्रेस रहेगा, ठीक है? आपको लीव करते समय ज़रूरी नहीं है कि बैकफुट जाना है। ये मिथ है, ये सब सोचते हैं कि हमें लीव भी बैकफुट में ही करना है। नहीं, आजकल का क्रिकेट बहुत फास्ट हो गया है, फायरी विकेट्स मिलते हैं। आपने देखा होगा आजकल के मॉडर्न प्लेयर्स सारा पुल शॉट भी फ्रंट फुट से लगाते, फ्रंट फुट मतलब उसी जगह पे खड़े होकर लगाते या फिर हल्का सा वेट ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी प्लेयर आजकल प्रॉपर बैकफुट जाकर पुल नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि आजकल के विकेट्स बहुत ही यू नो क्विक विकेट्स हो गए, तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि बैकफुट अक्रॉस जाकर पुल मारना है। तो इसलिए हमें पुल भी फ्रंट फुट से ही मारना है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, आपको इन डिटेल बताऊँगा। अभी जो हमें लीव करना है वो भी फ्रंट फुट में ही करना है। मतलब आप इस तरह से चांस पर आ गए, शफल कर लिए, आपका ये फ्रंट फुट प्रेस रहेगा। जहाँ आप जज कर लिए कि बॉल शॉर्ट है, आप पुल के लिए गए, वहाँ से दिखा बॉल ज़्यादा राइज कर रहा, आपके पास आ रहा तो राइज कर रहा बॉल, ठीक है? आपको वहीं पर कोलैप्स कर देना है। ये टर्म याद रखना, कोलैप्स करना है। कोलैप्स मतलब क्या होता है? आपका बैट यहाँ से गिर जाएगा नीचे, आपका पीछे वाला लेग भी ये डाउन हो जाएगा, आपका बॉडी भी डाउन। ये प्रॉपर वे है लीव करने का। इसमें क्या होगा कि देखो, बहुत से लोग ना ऐसे करके लीव करते हैं। इसमें क्या होता है, लास्ट मिनट में अगर बॉल नीचे रह गया तो बॉल आपके तरफ आ रहा है और आपकी नज़र ही नहीं है बॉल पर, तो आप उसको लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको चोट लग जाएगी। या तो विकेट के सामने रहोगे तो एलबी हो जाओगे, हेलमेट में लगने से भी अगर विकेट के सामने तो आप एलबी खा जाओगे, आउट दे देगा अंपायर। आपको क्या करना है, ये किए, इसमें क्या है, देखो मैं लास्ट तक बॉल को देख रहा हूँ, ठीक है? तो ये बेस्ट टेक्निक है लीव करने की। अब मैंने ये बताया कि बॉल अगर आपके आँखों के इस तरफ रहे तब आपको इस तरह से लीव करना है। अगर बॉल आपके आंखों के इस तरफ रहे, मतलब बॉल अगर बॉडी में रहे, तो आप ये लीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि बॉल आपके बॉडी की तरफ ही आ रहा है, आपको चोट लग जाएगी। उस केस में क्या करना है, उस केस में आप जब लीव कर रहे हो आपको ये प्रॉपर डक करना है, ठीक है? आप इसमें प्रॉपर डक कर रहे हो तो इसमें भी आपका जो नज़र है ये बॉल की तरफ ही है। आप किसी भी मोमेंट में, ये चीज़ हमेशा याद रखना,
पॉइंट ये है कि आपको लास्ट तक बॉल देखते रहना है, चाहे कितना भी तेज बॉलर हो, चाहे कितना भी फायरी बॉलर हो, अगर आप बॉल को लास्ट तक देखोगे तो आप इजीली डक कर पाओगे। अगर आपकी नज़र हट जाएगी, आप डर जाओगे, तो 110% चोट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट है। हमारा थर्ड पॉइंट ये है कि हमें कौन से ड्रिल्स करने हैं अपना लीव परफेक्ट करने के लिए। उसमें अपने पार्टनर को ले लो, अपने पार्टनर को बोलो कि आपसे मतलब हाफ पिच में खड़े हो जाए, ज़्यादा दूर नहीं, कम से कम 10 steps दूर खड़े हो जाए आपसे, वहाँ से अंडर आर्म बॉल थ्रो करें आपको। बॉल जो आएगा फुल टॉस रहेगा, आपके हेड लेवल पे रहेगा या फिर शोल्डर लेवल पर रहेगा। देखो बारिश हो रही है, मैं फिर भी आपको कंप्लीट करके ये वीडियो बंद करूँगा, ठीक है। तो बॉल अगर आपके शोल्डर लेवल पे, हेड लेवल पे, आपको क्या करना है, ये जाकर लीव करना है, ठीक है। इसका मैं डेमो करके आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। हमारा जो दूसरा ड्रिल है वो ये है कि अपने पार्टनर को बोल दो थोड़ा दूर खड़े हो जाने, 20 yards में खड़े हो जाने बोलो, वहाँ से उनको गीले टेनिस बॉल से बोलो कि थ्रो करने, गीला टेनिस बॉल वो थ्रो करेंगे, आपको क्या करना है, जाकर प्रॉपर लीव करना है। वही टेक्निक जो मैंने बताई है उसी टेक्निक को अप्लाई करना है, पर इस समय क्या है, वो प्रॉपर थ्रो कर रहे हैं तो बॉल पिच होकर आपके पास आ रहा है, तो उसमें बेटर आइडिया मिलेगा आपको। ड्रिल्स हो गया, देख लो भैया बारिश हो रही है, मैं बीमार हो जाऊंगा तो सोच लेना, आपको दवाई भिजवाना पड़ेगा मेरे घर, ठीक है। ओके, सो अब बात करते हैं हमारा जो फोर्थ ड्रिल है, ठीक है, जो फन गेम मैं बता रहा था आपको। फन गेम ये है कि आपको अपने पार्टनर को सामने खड़ा कर देना है और आप इस वे में खड़े हो जाओगे, ठीक है, और आपका पार्टनर अंडर आर्म बॉल फेंकेगा आपको इस एरिया में, थोड़ा आराम से फेंकने बोलना, ज़्यादा जोर फेंकने मत बोलना, और आपको बैट हटा देना है, बैट हटा दिए, इस तरह से बॉल को लीव करना है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बाउंसर को लीव करने में, बाउंसर को खेलने में सबसे क्विक चाहिए आपका रिफ्लेक्सेस, सबसे क्विक चाहिए आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, तो इस ड्रिल से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आप एक गेम खेल सकते हो, अपने पार्टनर को बोल दो कि अगर एक बार ही बॉल मेरे को लग गया तो मैं आउट, उसके बाद आप बैटिंग करोगे, ठीक है। तो ये कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ बस 4 points हो गए, आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ, बहुत ज़ोर बारिश हो रही है, अभी जाना पड़ेगा। होप से आपको वीडियो पसंद आई हो, होप से आपको ये सारे ट्रिक्स और ये टिप पसंद आए हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना। इसी तरह के अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मॉडर्न डे क्रिकेट को फॉलो करो। मैं थक भी जा रहा हूँ क्योंकि जल्दी जाना भी है, बारिश हो रही है, एंड चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। थैंक यू।